नमस्ते अजी, हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं बेड वेटिंग के बारे में आपको समझाऊंगा कि रेकी हीलिंग के थ्रू बेड वेटिंग को कैसे रोकथाम किया जाए। बेड वेटिंग का मतलब जो बच्चे या कोई बुज़ुर्ग या किसी तरह की बीमारी से परेशान कोई भी इंसान जब रात को सोने के समय बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है तो उसे बेड वेटिंग कहते हैं। दोस्तों, बेड वेटिंग की थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप इसकी थ्योरी को थोड़ा सा पकड़ लें तो इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे वो रेकी हीलिंग हो या कोई भी हीलिंग टेक्निक से हो। समझिएगा, आपका जो ब्लैडर होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है। जो भी पानी आप पीते हैं आपके पूरे सिस्टम से गुजरने के बाद वो पानी आपके ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और वो ब्लैडर जब भर जाता है तो जब वो 80% भर जाता है तब से ही ब्रेन को सिग्नल देना शुरू कर देता है कि अब आपको उसको बाहर निकालना है यूरिनरी ट्रैक के थ्रू। और जैसे जैसे वो भरता, जो 80% से 85% 95% होते जाता है, वैसे वैसे सिग्नल बहुत तेज़ हो जाता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू। वो सिग्नल आपके ब्रेन में होता है और जब वो बहुत तेज़ भर चुका होता है तो आपको बहुत तेज़ यूरिन जाने की इच्छा होती है, आपको बहुत यहाँ पेन भी होता है, भरा भरा लगता है, ना आप दौड़ सकते हो ना आप हिल डुल सकते हो ज़्यादा अच्छे से, तो आपको जा कर के यूरिन को बाहर निकालना होता है। लेकिन बेड वेटिंग के टाइम पे क्या होता है, जब आप नींद में होते हो तब वो सिग्नल कहीं ना कहीं आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता, या फिर आपका ब्रेन उस सिग्नल को ले नहीं पाता, या फिर आपका ब्रेन उस सिग्नल को लेने के बावजूद भी वो ज़रूरी नहीं समझ पाता कि इसको यहाँ ना निकाल करके वॉशरूम में जाके निकालना है। इससे कई सारे कारण हो सकते हैं, बड़ों में स्ट्रेस टेंशन भी हो सकता है और बच्चों में तो ना समझी है कि बच्चों को ये चीज़ जो मैंने कहा कि ब्रेन को ये ज़रूरी ही नहीं लगता कि बिस्तर पर इसको नहीं करना है, वॉशरूम जाना है। और बड़ों में कभी कभी टेंशन एन्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि जब तक ब्रेन डिसीज़न ले सके उससे पहले यूरिन बाहर निकल जाता है। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि बड़ों में, स्पेशली यंग एज के बच्चों में भी, कि आप कोई ऐसा बुरा सपना देख रहे होते हो या नींद में ही कोई ऐसे थॉट चल रहे होते हैं जिससे आपका ब्रेन का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो आपको उस थॉट से बाहर निकालना चाहता है। आप सपने के फॉर्म में या थॉट के फॉर्म में अंदर पूरी तरह से फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो आपका ब्रेन कुछ ऐसा करता है कि पेशाब बाहर निकाल देता है जिससे वो गीला होते ही आप नींद से जागते हो, ताकि उस टॉक्सिक, उस भयंकर थॉट से आप तुरंत बाहर निकल सको। तो ये सब कारण होते हैं बेड वेटिंग के। तो कुल मिला के बात यह है, जब ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि ये जो पेशाब आपके अभी निकलना है, जो यूरिन जो बाहर निकलना है वो यहाँ नहीं निकलना है, वॉशरूम में जाकर निकलना है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब समझिए कि यूरिनरी ट्रैक या पेशाब या जो ब्लैडर या किडनी, ये कौन से चक्रा से एसोसिएट होते हैं। उस चक्र का नाम है सैक्रल चक्र, या हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र। ऑरेंज कलर का ये जो चक्र है, इस चक्र पर अगर आप ऊर्जा देते हैं इस तरह से, या छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स हैं, आप उसके उसे जब आप रेकी हीलिंग देते हैं तो 45 दिनों में ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। समझना, छोटे बच्चों की हीलिंग कभी भी सीधे चक्र पर हाथ रखकर नहीं की जाती, या किसी भी जगह पर डायरेक्ट हाथ रखकर नहीं किया जाता है। बच्चे को लिटा करके उसके सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्र में, इस तरह से आप हाथ को रखते हैं, टच नहीं करते, हाथ को रखते हैं और हीलिंग उसके सैक्रल चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में भेजते हैं और अफर्मेशन देते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशाब का ये जो पूरा सिस्टम है अच्छा हो रहा है। अब आप जब भी आपको यूरिन आता है, जब भी आपको पेशाब आता है, आप वॉशरूम में जा कर के उसको खाली करते हैं
और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह, किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह आप वॉशरूम में जा कर के यूरिन करना पसंद करते हैं। मैं इस पूरे सिस्टम को ये आदेश देती हूँ या देता हूँ कि अब आप बेड पर कभी भी पेशाब नहीं करेंगे, चाहे वो नींद में हो, चाहे वो सपने में हो, या चाहे किसी भी कंडीशन में हो। आप जब भी आपको बेड वेटिंग, जब भी आपको पेशाब आएगा, यूरिन आएगा, आप उठेंगे और जा कर के वॉशरूम में ये पेशाब आप करेंगे। तो इस तरह से आप अफर्मेशन देंगे उनको और उस ऊर्जा को कहाँ भेजेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र में, सैक्रल चक्र में। दूसरा एक चीज़ ये, सिर्फ 3 मिनट ही करना है और 3 मिनट करने के बाद करीब 1 या 2 मिनट इस उंगली को, इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों उंगली को बच्चे के या बड़े के इस तरह से पकड़ेंगे। बड़े हैं तो सीधे आप इस पर दे सकते हैं या फिर इसमें भी दें तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। बड़े हैं तो सीधे भी दे सकते हैं। फिर इन दोनों फिंगर्स को इस तरह से पकड़ करके इसी अफर्मेशन को बस रिपीट करना है आपको कि अब आप रात को पेशाब आने पर वॉशरूम में जा कर के पेशाब करते हो, वॉशरूम में जा कर के अपना यूरिन पास करते हो, बेड में या नींद में कभी भी आपको जब भी यूरिन आएगा आप वॉशरूम में जाके करते हो। तो इस तरह से आप उन्हें अफर्मेशन देते हो, 3 मिनट साइकिल चक्र पे और 2 मिनट इन दोनों उंगली को पकड़ के। इस उंगली में यहाँ कहीं पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो ब्लैडर और ब्रेन के रिलेशन के लिए ज़िम्मेदार होता है, यहाँ कहीं पर होता है, यहाँ पर है ना, तो उसको खोजने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रखो, आपकी ऊर्जा उस जगह पे अपने आप पहुँच जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता ध्यान में रहने से कि इस जगह पर ये होने की वजह से आप वहाँ अपनी ऊर्जा को भेज सकते हो, है ना, ताकि आपका ध्यान रहे। तो जहाँ जब ब्रेन और ब्लैडर के बीच में ये रिलेशन अच्छा हो गया, वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए एक एंजल नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, वो एंजल नंबर है ये। इस एंजल नंबर को बच्चे के लेफ्ट बॉडी में कहीं पर भी आप लिख सकते हैं और उस एंजल नंबर को दिन में एक बार कम से कम उस पर हाथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं वो खुद अपना हाथ उस एंजल नंबर पर रखेंगे। तो इस तरह से ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पर, तब तक के लिए नमस्ते है जी।